ये है राजीव गौबा, झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी। इन्हें अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। राजीव गौबा अब प्रदीप कुमार सिन्हा की जगह लेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गौबा की कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। राजीव गौबा को फिलहाल 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो 30 अगस्त 2019 से अपना कार्यभार संभालेंगे। राजीव गौबा से पहले पीके सिन्हा कैबिनेट सचिव के पद पर पिछले 4 साल से नियुक्त थे। बताया जाता है कि राजीव गौबा ने गृह सचिव रहते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में अहम भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूरी प्लानिंग में वो जुड़े रहे। इस बड़ी कार्रवाई से पहले हालात का जायजा लेने के लिए राजीव गौबा ने घाटी का दौरा भी किया था। वहीं झारखंड में भी नक्सलवाद की कमर तोड़ने में राजीव गौबा का नाम लिया जाता है। केंद्र में अप्रैल 2016 से प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले राजीव गौबा झारखंड में मुख्य सचिव थे। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के बीच नक्सलियों की पैठ खत्म करने के लिए श्रम सुधारों की दिशा में काम किया। मजदूरों को जहां हक दिलाया, वहीं कल कारखानों को भी सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे नक्सलवाद की घटनाओं में पहले की तुलना में कमी भी आई। बिहार के विभाजित होने से पहले वो नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया में डीएम भी रहे। अब देश की सिविल सेवा में सबसे शक्तिशाली पद राजीव गौबा को दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।